हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को तीन पद वाले व्यंजकों का गुणनखंड कैसे किया जाएगा इसको सिखाएंगे। तो यहाँ पर जब कोई व्यंजक इस रूप का हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप का, तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे इस वीडियो में हम इसी को आप लोगों को सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला सवाल हमारा है कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो इस तरीके का जब कोई सवाल दिया गया उसका गुणनखंड करने के लिए कहा जाए, तो यहाँ पर जो अचर पद दिया गया है छह, इसका हम ऐसा गुणनखंड करते हैं कि यहाँ पर जो x का गुणांक है जोड़ने पर इसके बराबर आवे। यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर, तो यहाँ पर छह का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब 2 और 3 को हम जोड़ेंगे और ये 5 हमारा होगा, और ये 5, और 5 ये जो दिया गया है इसको हम लिखेंगे 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करके इसका गुणनखंड कर देंगे। सबसे पहले इसका ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर इसके बराबर आवे, जैसे हमने किया है। अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लिखेंगे 3x प्लस 2x। अब ये 5 और 3 और 2 5 हो गया, धन 6। अब यहाँ हम दो दो का समूह बनाएंगे, दो दो का समूह बना करके इसका गुणनखंड कर लेंगे हम। यहाँ पर इसका और इसका समूह बनाएंगे, इसका और इसका समूह बनाएंगे। अब इसका और इसका जब समूह बनाएंगे, एक्स स्क्वायर और 3x का, तो इसमें हम x देख रहे हैं कॉमन ले लेंगे। तो जिसको कॉमन लिया जाता है उसे भाग दिया जाता है। तो इसमें जब भाग देंगे यहाँ पर, तो 2 घात है 1 घात, तो यहाँ पर x बच जाएगा। और यहाँ पर जब x से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ 3 बचेगा। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि 2x है प्लस 6 है, 6 को हम 2 गुणे 3 लिख देंगे, तो दो दोनों में कॉमन हो रहा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ हमारा आ जाएगा x, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। और 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6। अब यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन हमारा है x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे। अब x प्लस 3 जब कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने का मतलब उससे भाग दिया जाता है, तो यहाँ जब भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, और प्लस इसमें ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। तो इस तरीके से x प्लस 3 और x प्लस 2, यही हमारा आंसर होगा, यही दिया गया व्यंजक जो है इसका गुणनखंड होगा। तो अगर 2 घात का है तो इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक x प्लस 3 और दूसरा x प्लस 2। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। इसमें भी हम 30 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, 30 का गुणनखंड हमारा होगा 30 6 गुणे 5, यानी -6 गुणे -5। 30 का एक गुणनखंड -6 और दूसरा गुणनखंड -5, दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये 30 आएगा। और ये जो हमारा 11 जो लिखा गया है यहाँ पर, और इस -11 को हम -11, इसको हम लिख देंगे -6 -6 -5। ये हमारा ये माइनस है यहाँ पर, -6 -5, यहाँ इसको लिख देंगे। अब इसको हम दो खंडों में बांट लेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है, तो ये बांटेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा -6x और -5x +30। अब इन दोनों में हम समूह बनाएंगे, दो दो का समूह बना करके हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में देख रहे हैं एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे। जब एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्स बचेगा, भाग देते हैं, कॉमन लेने का मतलब भाग दिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में जब एक्स से भाग देंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पर 6 बचेगा। अब इन दोनों में देख रहे हैं यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अगर हम माइनस साइन बाहर ले लेंगे और 5 1 बाहर ले लेंगे। अब यहाँ -5x में जब -5 से भाग होगा तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा, प्लस एक्स। और प्लस में जब माइनस +30 है और उसमें -5 से भाग होगा तो यहाँ पर भी -6 आएगा, 5 6 30, -30 +30 अपॉन -5।
अब यहां देख रहे हैं दोनों में माइनस एक्स माइनस सिक्स कॉमन है, तो हम एक्स माइनस सिक्स को कॉमन ले लेंगे। कॉमन जब लेंगे तो यहां हमारा एक्स बचेगा और यहां पर माइनस फाइव बचेगा। तो इस तरीके से दो गुणनखंड आ गए, एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस फाइव, और यही हमारा आंसर होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल हमारा है तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पैंतीस, ये तीसरा सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पैंतीस प्लस टू एक्स माइनस पैंतीस। अब यहां हम माइनस पैंतीस का गुणनखंड करेंगे, माइनस पैंतीस इसका गुणनखंड करेंगे, सेवन इंटू माइनस फाइव कर दें, सात पचे पैंतीस, सेवन इंटू माइनस फाइव कर दे रहे हैं। और अब इस जो दो आया है हमारा, दो को हम लिख सकते हैं सेवन माइनस फाइव। अब इस दो को तोड़ करके हम इस कॉमन ले लेंगे, वही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अब आइए यहां पर इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स और माइनस पैंतीस। इस तरीके से इसको हम ब्रेक कर देंगे। अब यहां पर इन दोनों में समूह बना करके यहां एक्स कॉमन लेंगे, तो यहां एक्स प्लस सेवन बचेगा। अब माइनस फाइव यहां जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पर भी एक्स बचेगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पैंतीस में जब माइनस फाइव से भाग होगा तो प्लस सेवन आएगा। अब यहां देख रहे हैं एक्स प्लस सेवन दोनों में कॉमन है, तो एक्स प्लस सेवन कॉमन ले लेंगे और यहां हमारा बचेगा एक्स माइनस फाइव। तो ये इसके दो गुणनखंड हो गए, एक एक्स प्लस सेवन और एक एक्स माइनस फाइव। यहां जब माइनस हो तो ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर, यहां देख रहे हैं हमने घटाया है सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स, इसके बाद समूह बनाया फिर कॉमन लिया और हमारा हल हो गया। अब आइए चौथा सवाल देखते हैं। ये रहा हमारा चौथा सवाल। चौथा सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बहत्तर वाई स्क्वायर। अब यहां देख रहे हैं बहत्तर का, बहत्तर वाई है, इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहां माइनस बहत्तर है, माइनस बहत्तर बराबर आठ नवा बहत्तर, यहां पर एट इंटू माइनस नाइन कर देंगे। जब आठ का माइनस नौ में गुणा करेंगे तो ये माइनस बहत्तर हो जाएगा, और यहां पर एक्स इसका गुणांक माइनस एक है, तो इसको हम तोड़ करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई माइनस नाइन एक्स वाई। हमने बताया कि यहां पर माइनस हो तो घटाने पर, यहां हमने घटाया है माइनस नाइन एक्स वाई माइनस बहत्तर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का हम समूह बना करके कॉमन ले लेंगे, इसका इसका समूह बनाएंगे और इसका इसका। अब यहां देख रहे हैं जब इसका समूह बनाएंगे तो यहां एक्स कॉमन होगा हमारा, एक्स जब कॉमन होगा तो यहां पर एक्स आएगा, कॉमन लेना का मतलब भाग दे जाएंगे, और इसमें हमारा प्लस एट वाई हो जाएगा। यहां पर इन दोनों में माइनस नाइन वाई कॉमन ले लेंगे, तो जब वाई नाइन वाई कॉमन लेंगे तो यहां पर हमारा बचेगा एक्स, और इसमें भी भाग देंगे तो ये हमारा प्लस एट वाई हो जाएगा। एट वाई नौ अठे बहत्तर, वाई स्क्वायर में वाई से भाग देंगे तो वाई बचेगा। अब यहां हम एक्स प्लस एट वाई लिख देंगे और यहां हमारा बचेगा एक्स और वहां बचेगा माइनस नाइन वाई। इस तरीके से इसके दो गुणनखंड मिल गए, एक एक्स प्लस एट वाई और एक एक्स माइनस एट वाई, यही आंसर होगा। इस तरीके से आज हमने आप सभी को त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड कैसे किया जाएगा संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे और आप त्रिपदी व्यंजक का गुणनखंड आसानी से कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।